हेलो जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं जयेश ठाकुर भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल से आप बोल रहे हैं जी जयेश जी। इंदौर जिस तलवार पर खड़ा हुआ है, बगल में ही जी जी भोपाल भी नजर आता है। जी तो चलिए कोरोना से ही शुरुआत करें, वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, थोड़ा सा हटकर भी हमें बातें करनी है। भोपाल जी की क्या स्थिति है समय? जो स्थिति आप हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर की है उसके आसपास थोड़ी सी बेहतर मान के चले तो भोपाल की है। जी, मतलब जो आर्थिक राजधानी और राजधानी दोनों साथ साथ चल औद्योगिक रहे हैं राजधानी लगभग। दोनों एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मेरा तो मानना, चूंकि मैं अभी पिछले 20 दिनों से, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी अपना इस विषय पर बात करूंगा कोरोना पे ही, कि अभी पिछले 20 दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर, पूरा देश ही संकट में हो और हम सबको इस संकट की घड़ी में सबको साथ होके आना है और इसके लिए ही हम सबको काम करना है। जी आप किस तरह का काम इस वक्त कर रहे हैं और किस तरह से अपनी तरफ से सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया मुझे, तो मैं इस विषय पर जा रहा था क्योंकि मैं बड़े बड़ी अलग विषय पर काम कर रहा हूँ पिछले 20 दिनों से। जी हो जी क्या रहा है कि जगह जगह समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, अन्य माध्यमों से ये जानकारी दी जा रही है कि आप इस नंबर पे ये जानकारी ले लीजिए, सब्जी के लिए ये जानकारी ले लीजिए, कंट्रोल रूम के जी लिए ये जानकारी ले लीजिए। लेकिन वो जानकारी जब जिस व्यक्ति को जरूरत होती है तो वो बड़ा घबराहट में रहता है, भूल जाता है क्या करना है। जी, ये बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल तो ऐसी परिस्थिति में हम ऑनलाइन पिछले मार्च 19 से हम लोगों के संपर्क में हैं और मेरा नंबर कई लोगों को दिया हुआ है। वो लोग मुझसे कभी कटनी की जानकारी मांगते हैं, कटनी के कंट्रोल रूम का नंबर दे दीजिए, वहां पे कोविड हॉस्पिटल का नंबर दे दीजिए, भोपाल का नंबर दे दीजिए, जी और अन्य विषय भी इससे संबंधित हैं। जैसे अब अभी हम लोग काम कर रहे हैं विशेष रूप से जो नया ऐप आया है, जिस ऐप जी की बात की जा रही है, आरोग्य सेतु, जी आरोग्य सेतु ऐप। हम इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आरोग्य सेतु आप लोड करिए, ज्यादा से ज्यादा इस विषय पर हम लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। मैं बेसिकली डिजिटल माध्यम से, जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल इंडिया डिजिटल होना है, जी तो हम अपने घर से, अपने टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सबको जानकारियां दे रहे हैं। कुछ जानकारियां मेरे को आपको आकाशवाणी, आपके शायद इंदौर से भी कुछ आई थी, कुछ नंबर मांग रहे थे, तो मैं ऐसी सभी जानकारियां मैंने पहले से ही इकट्ठी करके रखी हुई थी, एक डायरी बनाई हुई थी। मेरी डायरी में सारा मध्य प्रदेश के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, तो कहीं की भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप भी मेरे से चाहूंगा कि शेयर कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जरूर जरूर करेंगे आपसे बातचीत हम। जयेश जी, जिसके पास भी जितनी भी मदद है, जितनी भी जानकारियां हैं, ये मौका ही है हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को शेयर करें, जी है ना जय जी। डिजिटल के कैंपेन के माध्यम से आप जिस तरह की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। और वो भी सबसे बड़ी बात कि जब आप घर से नहीं निकल पा रहे हो और सारी जानकारी, सूचनाएं, जो आपको आवश्यक नंबर्स हैं, वो आपको तुरंत मिल जाएं, ये एक नया तरीका का आपने सहयोग का हाथ बढ़ा है। आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते जी। हैं। और और मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा आपसे, हाँ बीच में जी रोक के, कि जी ये जानकारी के लिए आप कभी भी मेरे नंबर को भी आप चाहे तो शेयर करें, जी कि मेरे पास हर जगह के, प्रदेश के सभी जगहों के नंबर हैं। भोपाल के तो, चूंकि मैं भोपाल में हूँ, तो ये तो है ही नंबर मेरे जी। पास। जय जी, हम चाहेंगे कि आप अपना नंबर यहाँ पर हम सभी को बताएं और हमारे सुनने वाले उसे नोट कर सकें। बिल्कुल, मेरा जी नंबर है, देखिए आप, 9826015148। जी जी और एक इस माध्यम से मैं आके अपने बात को जोड़ रहा हूँ, आप आरोग्य सेतु के लिए जरूर आप भी, क्योंकि आप आपका एक बड़ा सिस्टम है, बड़े लंबे, मतलब काफी दूर तक आपकी बात जाती जी है, तो आरोग्य सेतु ऐप के लिए जरूर आप लोगों से बोलने कि वो इंस्टॉल करें। जी, हम लोग अपने कार्यक्रमों में लगातार इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। जो भी एडवाइजरी आती है, जो भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होती हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और इस ऐप के बारे में निरंतर जानकारी दे रहे हैं। और चलिए, आप स्वस्थ रहें, भोपाल स्वस्थ रहे, पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे। बताइए, इस समय हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप तनाव से दूर हो जाएं और कोई गीत गुनगुना लें या गीत सुनवाने के लिए हमें बता दें, तो अगर आपकी पसंद जाने तो आप क्या बताएंगे हमें? अभी तो ऐसा कोई रैंडमली याद तो नहीं आ रहा, परंतु हम गीत गाता, एक ऐसा शब्द था वो, पूरा गीत भी गाता याद नहीं आ चलो रहा। साथी गुनगुनाता चल,
जी। तो जयेश जी, गीत सुनवाते सुनवाते हम आपसे यही कहेंगे कि आप काम में लगे हुए हैं, काम में लगे रहिएगा, लेकिन खुद का भी ध्यान रखिएगा और दूसरों की मदद में आपके साथ साथ हम सभी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी से बातचीत की। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।